नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम आपको देश दुनिया के साथ पंचायती राज, शिक्षा विभाग सहित अन्य खबरों पर नजर रखते हैं और आपको डेली बताते हैं। तो बिहार समाचार में हम पहले शिक्षा विभाग से खबरों की शुरुआत करते हैं। शिक्षा विभाग में निदेशक से मिले प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार से प्राथमिक शिक्षक मिले। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सुनी तथा उसके निराकरण का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा, गुट के अध्यक्ष जयराम शर्मा, महासचिव दिनेश कुमार सिंह, सचिव आनंद मिश्रा एवं सारण जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जिसमें शामिल थे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार के केस के न्याय निर्णय को राज्य के बाकी जिलों में भी लागू करने का आश्वासन दिया है। सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को एक इंक्रीजमेंट कम का मामला वित्त विभाग को भेजा गया है। जहां से वहां से जैसा निर्देश होगा उसे वैसा ही लागू किया जाएगा। प्रधान शिक्षकों के चिन्हित विद्यालयों में पोस्टिंग होगी, बकायों का भुगतान किया जाएगा। अब शिक्षा विभाग से बड़ी खबर यह है कि टोला सेवक भी अब ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे शिक्षकों के बाद। अब सरकारी विद्यालय के टोला शिक्षक, टोला सेवक और शिक्षक सेवक तालीमी मरकज की भूमिका को भी और प्रभावी बनाने के लिए लेकर सरकार, शिक्षा विभाग काफी गंभीर है। इसे लेकर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के तर्ज पर जो शिक्षा सेवक सेवक हैं वह भी ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। और वहीं पुरानी पेंशन योजना का लाभ के लिए 700 आवेदन दिए गए हैं। 34,540 कोटि नियोजित अपने अनौपचारिक शिक्षक वल्लभपुर के आवेदन आए हैं। यह मामला यह उठ रहा है कि डीपीओ शिक्षा स्थापना और डीओ कार्यालय में आवेदन शिक्षकों कर्मियों ने दिए हैं। शिक्षा सचिव ने आवेदन के एकत्रित प्रस्ताव भेजने का माध्यम बताया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षा विभाग में जिले भर से 600 से अधिक आवेदन किए गए हैं। आवेदकों द्वारा 34,550 कोटि के शिक्षकों, नियोजित औपचारिक शिक्षक, अनुकंपा और बहाल शिक्षक और परिचारी लिपिक शामिल है जो पुरानी पेंशन नीति की मांग कर रहे हैं। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथि में किया है बदलाव। 4 परीक्षाओं में 90 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। और जो जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा में बदलाव किया है जिसमें सहायक लोको पायलट, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीएमए और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर पदों के लिए आरआरबी भर्ती 2024 की परीक्षा में बदलाव किया गया। इन चारों परीक्षा के लिए 90 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से बिहार के 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। अब इस आवेदन की आप जो अभी स्थिति है उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 29 दिसंबर, 12 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी। बीच 5 दिसंबर के बजाय 12 दिसंबर के बीच होगी। वहीं तकनीशियन की भर्ती की परीक्षा जो है सो 2 से 12 दिसंबर तक होगी। एएलपी 25 से 29 नवंबर को होगी, तकनीशियन 18 से 29 दिसंबर तक, और आरपीएफ एसआई 2 से 12 दिसंबर तक, जेई और अन्य के लिए 13 से 17 दिसंबर का तिथि निर्धारित किया गया है। अब इधर यूपीएससी ने सिविल सेवा वोटिंग रिजल्ट का जारी किया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा के लिए जो प्रतीक्षा सूची जारी कर दिया है, वेटिंग रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने 2023 के आधार पर शेष पदों पर को भरने के लिए 120 उम्मीदवारों को की सिफारिश की है। 88 आरक्षित, 5 ईडब्ल्यूएस, 23 ओबीसी, 3 एससी और 1 एसटी उम्मीदवार का नाम का घोषणा किया गया है। और इधर पैक्स सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में 28 तक जुड़ जाएगा। 30 तारीख को मतदाताओं की सूची का होगा प्रकाशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 लाख से अधिक सदस्य मतदान करेंगे। अब जो बहाल किए गए पक्ष सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। और ईडी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। और इधर बिहार में अगर बात करें तो सांसद पप्पू यादव की मां
आईसीयू में भर्ती है। पप्पू यादव फूट फूट कर रो रहे हैं कि अब उनका उनको देखने वाला कौन होगा। हम आपको बता दें कि पप्पू यादव के पिता का भी निधन कुछ महीने पहले हो गया था। और इधर गुरुग्राम में मोतिहारी के चार भाई एक कमरे में सो रहे थे, सभी जिंदा जल गए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शुक्रवार को मोतिहारी के चार युवकों को घर में आग लगने से मौत हो गई है। चारों आपस में रिश्तेदार थे जो सरस्वती एनवे इनक्लेव में किराए के कमरे में रहते थे। जानकारी के मुताबिक सभी घर में सो रहे थे, इस दौरान कमरे में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिली है। मृतकों की पहचान घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के सेनवरिया गांव के रहने वाले नूर आलम 26 वर्ष, 22 वर्षीय मुश्ताक आलम, 18 वर्षीय अमन और चिरैया थाना के सोनवरिया गांव के रहने वाले 20 वर्षीय मोहम्मद साहिल शामिल हैं, जिसमें नूर और मुश्ताक सगे भाई हैं, जबकि आप अमन चचेरा और मोहम्मद साहिल ममेरा भाई था। अब बिहार में दिवाली तक दिखेगा दाना तूफान का असर, और 19 जिलों में बादल छाए रहे हैं और 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात दाना अब भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में इसका असर दिवाली यानी 31 अक्टूबर तक दिखेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। 28 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी पूर्वी इलाके मुंगेर बांका कैमूर में हल्की बूंदाबांदी हो रहेगी। शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी होगी, मतलब शनिवार का नहीं, रविवार को भी बादल छाए रहेंगे। और वहीं मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई है, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। और उन्होंने कहे तोह से सजनवा तोहरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में एंट्री किया था। पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है। दिल्ली एम्स के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। और शारदा सिन्हा के बेटे बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा कि वह पिछले एक हफ्ते से दिल्ली एम्स में भर्ती है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने फोन पर उनका हाल चाल लिया है। और इधर बेतिया से खबर आ रही है, क्लासरूम में अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक शिक्षिका पर कार्रवाई। बेतिया के में बीओ और डीपीओ ने लिखा पत्र, छात्राओं ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। बेतिया में मैनाटांड प्रखंड के बेलवा टोला प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को क्लासरूम में अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक शिक्षिका पर शिक्षिका कार्रवाई के जद में आ गए हैं। प्रखंड शिक्षा विधायक कृष्णा कुमारी ने दोनों शिक्षक और शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया है। वहीं दनियामा बाईपास उद्घाटन के बाद सीएम के सामने नारेबाजी हुआ है। मुआवजे को लेकर किसानों ने लगाए हैं नारे। 46 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। पटना के दनियामा में शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 46 करोड़ की लागत से बने दनियामा बाईपास का उद्घाटन किया। दनियामा बाजार से रेलवे क्रॉसिंग रहने के कारण हर दिन लोगों को घंटे घंटों जाम में फंसना पड़ता था, अब उनसे निजात मिल जाएगी। और इधर बिहटा में वायुसेना केंद्र के केंद्रीय विद्यालय में दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। दो जाल लगाया गया है, अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिया गया है और जो निर्माण कार्य जारी था उसको भी बंद कर दिया गया था। पटना से सटे बिहटा वायुसेना केंद्र स्थित केंद्रीय विद्यालय कैंपस में तेंदुआ घूम रहा था, जो पूरा माजरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। और वही पालीगंज में मुखिया पति को गोली मारने वाला गिरफ्तार हुआ है। पटना पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया, 27 अगस्त को मारी थी गोली। पटना के पालीगंज अनुमंडल के श्रीगोड़ी पंचायत की मुखिया सुबैदा खातून के पति शिक्षक शहजाद आलम को गोली मारने के मामले में पटना पुलिस ने को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी शूटर फैजल नियाजी को नोएडा से गिरफ्तार किया। फैजल मूल रूप से नौबतपुर का रहने वाला है। अब पटना में सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाट का किया निरीक्षण। व्रतियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बैरिकेड करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने दानापुर पहुंचे। नासरीगंज घाट का सीएम ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, विभाग के अधिकारी मौजूद थे। और छठ के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर बिहार आने वाले बिहारियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली छठ पर दिल्ली से बिहार आएगी 65 स्पेशल ट्रेनें। रेगुलर ट्रेनों में लगा
लगाए गए हैं 49 एक्स्ट्रा कोच। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 50 ट्रेनें रद्द हैं। दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। रेल यात्रियों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। खास तौर पर नई दिल्ली से बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। और इधर इधर से खबर आ रही है कि देश के में क्या देश में के राज्य एक राज्य है जो अलग झंडे की मांग कर रहा है। क्या देश में देश के राज्यों के लिए एक अलग झंडा चाहिए? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में एक अलग झंडे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। हाईकोर्ट ने कहा इस तरह की याचिकाओं से कोई आधार नहीं होता है, एक कोर्ट का वक्त की बर्बादी है। और इधर चुनाव के बाद घाटी में लौटा है आतंक, लौट रहा है धीरे धीरे। 7 दिनों में 13 मौतें हुई हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के जीत के बाद इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। और इधर पारस से पटना के सरकारी बंगला 29 के बाद छीन लिया जाएगा, विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और वहीं उपचुनाव में चारों क्षेत्रों के 51 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। 28 को स्क्रूटनी होगी, 13 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को मतगणना किया जाएगा। अगर विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो ईरान पर इजराइल ने 100 मिसाइलों से हमला किया है। अब मिसाइल फैक्ट्रियां सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है, 20 ठिकाने तबाह, 2 सैनिकों की मौत हुई है। इसराइल ने ईरान के हमलों का जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के पलटवार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इनमें मिसाइल फैक्ट्री, सैन्य अड्डे शामिल है। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है, जिसमें स्थानीय समय अनुसार 3:15 पर यह हमला शुरू हुआ था जो 6 बजे तक जारी रहा। दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।